नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के मंड्या पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने बता दें कि बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया है। साथ ही बता दें कि इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंड्या में एक रोड शो किया उन्होंने, जिसमें भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। और साथ ही इस दौरान बता दें कि 10 लेन वाले और 118 किलोमीटर के लंबे बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे में लगभग 8,480 रुपए की लागत से विकसित की गई है। यह बेंगलुरु और मैसूर से बीच यात्रा में समय में 3 घंटे से घटाकर लगभग बता दें कि 75 मिनट का कर देगा। इस दौरान पीएम मोदी कर्नाटक में लगभग 16,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा था कि बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे में एक महत्वपूर्ण संपन्न परियोजना है और इस कर्नाटक के विकास पद का नया आयाम देगा। यह क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। मोदी ने सड़क परिवहन और साथ ही राज्य मंत्री नितिन गडकरी के एक ट्वीट में टैग कर ये सारी बातें कही है। केंद्र मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान अमेठी सांसद गेस्ट हाउस में निकलकर बता दें कि कमरौली के बीएचएल रोड पर पहुंची है और इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित पुलिस पिंक बूथ का भी उद्घाटन किया है। साथ ही बता दें कि इस दौरान बता दें स्मृति ईरानी पहुंची है और तस्वीरों में देखिए किस तरीके से स्मृति ईरानी मौके पर पहुंची, अमेठी दौरे पर है वो। और इस दौरान वहाँ पर अमेठी सांसद गेस्ट हाउस से निकलकर उन्होंने उद्घाटन किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विक्रम भदौरिया हमारे साथ अमेठी से जुड़ गए हैं। विक्रम, जिस तरीके से स्मृति ईरानी पहुंची है अमेठी और आज उनके दौरे का दूसरा दिन भी है, अमेठी में उन्होंने तमाम चीज़ों का उद्घाटन किया है, इन चीज़ों से लोगों को कितना लाभ मिलने वाला है, विस्तार से थोड़ा बताएं विक्रम। आवाज आ रही है आपको मेरी? स्मृति ईरानी का आज दूसरा दिन है। अमेठी सांसद गेस्ट हाउस से निकलकर पहुंची है कमरौली के बीएचएल रोड, जहां नव निर्मित पुलिस पिंक बूथ का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के दौरान स्मृति दिन पहुंची है रंगवा घाट, उद्घाटन कर आम जनमानस को सौंपेंगी। विक्रम, इस पिंक बूथ से महिलाओं को कितना लाभ मिलने वाला है, क्योंकि पिंक बूथ जो है ये कहीं ना कहीं ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है कि महिलाओं को अब आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है और वोट करने का मौका दिया जा रहा है और अब महिलाएं सुरक्षित होकर वोट कर सकती है, उन्हें किसी का डर नहीं है। तो इस पिंक बूथ से और भी क्या कुछ संदेश भी देते हुए नजर आई? जी, जिस तरह से देखा जाए तो महिलाओं को लेकर के आपराधिक घटनाएं बढ़ रही थी, इसको देखते हुए अमेठी जिले में पहला पिंक बूथ बनाया गया है। इससे कहीं ना कहीं घटनाओं पर लगाम लगाने का प्रयास करेगी पुलिस। बिल्कुल, शुक्रिया आपका विक्रम भदौरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। स्मृति ईरानी जो है वो अमेठी पहुंची है और इस दौरान उन्होंने पिंक बूथ का उद्घाटन किया है और इस पिंक बूथ का उद्घाटन करते हुए वे जिस तरीके से अब जो तमाम घटनाएं बढ़ती हुई नजर आई, इसको लेकर स्मृति ईरानी महिलाओं को आगे बढ़ाते हुए और इस पिंक बूथ का उद्घाटन करते हुए महिलाओं को भी बेफिक्र होकर वोट डालने की अपील करती हुई नजर आई। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस लगातार सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। दिग्गज नेता पहले भारत जोड़ो यात्रा और साथ ही अब कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पद यात्रा में शामिल होकर जन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ऋषिकेश पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पद यात्रा में शामिल होकर धामी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। शनिवार की शाम रैली रोड स्थित एक होटल के बाहर कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो पद यात्रा में आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा केवल हाथ पकड़ने तक सीमित नहीं रहनी है, लोगों को हाथ पकड़कर उनके दिलों तक पहुंचाने की यह यात्रा बननी चाहिए। ये यात्रा जो है परिवर्तन की यात्रा है, जिसमें हम जनता के उन सब सवालों को उठा रहे हैं जिनसे आज जनता त्रस्त है, पस्त है और जिनसे हर घर दुखी है। महंगाई, अब देखो गैस के दाम कहाँ पहुँच, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार। और देखिए तस्वीरों में किस तरीके से पहले हाथ जोड़ बता दें कि पहले
भारत जोड़ो यात्रा और अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, ये कांग्रेस की लगातार ऋषिकेश की ये तस्वीर जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को बढ़ावा देते हुए नजर आए हैं। और इसी घर पर मेरे सहयोगी संजय शर्मा जुड़ गए हैं मेरे साथ ऋषिकेश से। संजय, जिस तरीके से पहले कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही थी और अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकालती हुई नजर आई और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भी नजर आए और बीजेपी को लगातार घेरती हुई कांग्रेस भी नजर आई है, ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करके कांग्रेस क्या संदेश देना चाह रही है अब? अच्छा, ये जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली हुई है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि अभी जैसे कि 2024 में चुनाव की तैयारी चल रही है, उसकी तैयारी कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है, साथ ही अपने लिए एक जगह तलाशने की कोशिश कर रही है कि जहाँ भी उनको हार का सामना करना पड़ा है वहाँ पर वो ज्यादा जोर दे रहे हैं। और साथ ही हरीश रावत जब आए तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि चुनाव आ रहा है और हमें जो है अब उन मुद्दों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी जिन मुद्दों को लेकर लोग परेशान हैं, जैसे कि महंगाई होगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या महिलाओं के उत्पीड़न की बात करी उन्होंने, तो ऐसे मामलों को लेकर सरकार मुद्दा बना रही है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और इस मुद्दों को लेकर लोगों के दिलों तक उतरने की बात हरीश रावत ने बोली है। चलिए, शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ऋषिकेश की यह तस्वीर जहां पर हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा निकाली गई कांग्रेस की तरफ से और भारत जोड़ो यात्रा के बाद यह कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकालकर लगातार लोगों को जागरूक करती हुई नजर आई और साथ ही बीजेपी को भी जमकर घेरती हुई नजर आई। जनपद उत्तरकाशी के जिला चिकित्सालय में बता दें कि डायलिसिस शुरू हो गई है और इससे स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिलने वाला है। आपको बता दें कि इससे पहले यहां के किडनी रोग से गंभीर मरीजों को देहरादून जाकर डायलिसिस कराना पड़ता था जिसके कारण उन्हें बहुत ही आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था, साथ ही इलाज कराने में आर्थिक रूप से गंभीर मरीजों को डायलिसिस का अभाव से मौत भी हो जाती थी। पर स्थानीय विधायक और साथ ही हेल्थ फाउंडेशन के सहयोग से जनपद में गरीब लोगों के लिए 2 डायलिसिस मशीन का काम कर रही है जिसमें लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है। चिकित्सालय में बता दें कि CMS ने बताया है कि बहुत जल्द ही यहां के मशीनों को लगवाने के लिए शासन से डिमांड भी शुरू की जा चुकी है। उत्तरकाशी जनपद में काफी लंबे समय से डायलिसिस की अवस्था थी और जो है लोगों को काफी दूर दूर जाना पड़ता था, देहरादून जाना पड़ता था क्योंकि यहाँ पे जनपद में कहीं भी डायलिसिस नहीं थी। और अब जो है हमारे यहाँ पे जो है डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध हो गई है जिसमें हमारी वर्तमान में 2 मशीनें कार्य कर रही हैं। उन दोनों मशीनों से हम जो है प्रतिदिन जो है 4 मरीजों का जो है डायलिसिस करते हैं 2 शिफ्टों में, जिससे जो है काफ़ी लोगों को जो है घर में सुविधा मिल पा रही है और इससे जो है काफ़ी जल्दी हम जो है 4 मशीनों के लिए हमने और डिमांड करी है ताकि जो जिन लोगों का यहाँ पर नहीं हो पा रहा है उनको भी हम जो है डायलिसिस की सुविधा दे पाएँ। और इसी घर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुमित कुमार उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। और सुमित, जिस तरीके से अब अस्पताल में डायलिसिस मशीन लाई गई है, लोगों को इस मशीन से कितना लाभ मिलने वाला है और ग्रामीणों को अब दूर का सफर नहीं करना पड़ेगा, उनको घर के पास ही डायलिसिस मशीन अस्पताल में उपलब्ध करवाया गया है, तो किस तरीके से ग्रामीणों में एक खुशी देखने को मिल रही है? बिल्कुल सुनाली, जनपद उत्तरकाशी की बात की जाए तो यहाँ पर लाइसेंसिंग शुरू होने पर स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। आपको बता दें कि इसमें पहले यहाँ के जो किडनी रोग के जो गंभीर मरीज थे वो देहरादून के उनको रेफर किया जाता था, कहीं ना कहीं उन्हें काफी नुकसान होता था क्योंकि इसमें जो गरीब तबके के लोग हैं वो देहरादून जाकर अपना जो इलाज है वो रेफर यहाँ से किया जाता था जिला स्तर पर, फिर कहीं ना कहीं उन्हें काफी दिक्कतें आती थी। अब यहाँ पर जो हाउस फाउंडेशन की तरफ से और क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान की तरफ से जो यहाँ पर डायलिसिस जो मशीनें लगाई गई है और कहीं ना कहीं अब यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी राहत मिल रही है क्योंकि देहरादून उनका जो भेज रेफर किया जाता था तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत नुकसान होता था, अब कहीं ना कहीं क्षेत्र में खुशी की लहर है क्योंकि डायलिसिस जो मशीनें वो यहाँ पर लगाई गई है। जी सुमित, इस डायलिसिस मशीन के द्वारा किन किन रोग को लेकर ग्रामीणों को अब आसानी होगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि डायलिसिस मशीन से जैसे कितने लोग जब यहाँ पर अपने उपचार के लिए जब उत्तरकाशी आते थे तो जो तमाम तरह की जो बीमारी है वो उन्हें यहाँ से रेफर देहरादून किया जाता था क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी
सुविधा नहीं थी जिला स्तर पे स्वास्थ्य में कि उन्हें यहाँ पर उनका इलाज मिल रहा है सर ज्यादा था, तो इसीलिए उन्हें अब जो देहरादून के जो चक्कर है वो उन्हें नहीं करने लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ के जो CMO है उन्होंने भी कहा कि हमने और मशीनों की प्रशासन से भी और हमने यहाँ पर मांग की है, कहीं ना कहीं प्रशासन भी इन चीजों पे काम कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ और मशीनों का भी उन्होंने यहाँ पर कुछ डिमांडें भी दी हुई है। जी सुमित, इस डायलिसिस मशीन से क्या सिर्फ जो अमीर तबके के लोग हैं या जो मिडिल क्लास आते हैं उनको ही आसानी होगी इलाज कराने में, गरीबों के लिए इस डायलिसिस मशीन का इलाज कराना महंगा तो नहीं पड़ेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो डायलिसिस मशीनें अमीर तबके के लोगों की बात की जाए तो यहाँ से वो देहरादून रेफर किया जाता था, तो उनके लिए कोई वो बड़ी बात नहीं होती थी, क्योंकि अब जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्राम के लोग हैं, उन्हें काफी दिक्कत होती है देहरादून जाने में, तो ये जिला स्तर पे जैसे ये डायलिसिस मशीन लगाया तो इसका जो चार्ज है वो काफी कम चार्ज है, क्योंकि लोगों को यहीं पर अच्छी सुविधाएं मिली है, जो उनका जो खर्चा जो देहरादून के लिए जाना है देहरादून में रेफर करा था वो काफी महंगा उन्हें पड़ता था, तो कहीं ना कहीं अब एक खुशी की लहर, क्योंकि उत्तरकाशी उन्हें अपने जिले में उन्हें इलाज का सुविधा मिली। जी चलिए सुमित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उत्तरकाशी की ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पर अब डायलिसिस मशीन का लोग उपयोग कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं, और ये बहुत ही सस्ते में, एक बता दें कि आप गंभीर से गंभीर बीमारियों से इस डायलिसिस मशीन के द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। अब आपको लंबी दूरी का सफर नहीं करना पड़ेगा, और लगातार बता दें कि इसको लेकर इस डायलिसिस मशीन से गरीब तबके के लोग हो या मिडिल क्लास फैमिली हो, हर व्यक्ति को एक अच्छा सहयोग मिलने वाला है। झांसी के सत्ताधारी दल के नेता यहां के पर्यावरण के लिए खतरा बन गए हैं। झांसी के सत्ता की हकन से नियमों को ताक पर रखकर नदी में जलाधार रोककर धरले से अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है। झांसी के जनपद के बता दें कि शेमशर पूरा घाट पर बालू खनन का नजारा आप तस्वीरों में देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर बालू खनन किया जा रहा है, और इस दौरान जो प्रशासन है उनके कानों तले जू तक नहीं रेंग रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर ये तस्वीर देखते तो काफी हैरान पड़ जाते, क्योंकि जिस तरीके से ऑफिसरों पे भरोसा किया जाता है, और ये तस्वीर जो है ये कहीं ना कहीं हर ऑफिसर्स पर और जो प्रशासन है उन पर जो भरोसा किया जाता है ये पोल खोलती भी नजर आई है। और हमारे साथ इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुल्तान आप भी जुड़ गए हैं झांसी से। सुल्तान, एक तस्वीर झांसी की हम देख रहे हैं जहां पर अवैध खनन का काम लगातार चल रहा है, और कहां की यह तस्वीर है और किस तरीके से यहां पर अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है, विस्तार से बताएं। जी, ये शमशेरपुरा घाट की तस्वीर है बेतवा नदी की, जहाँ से लगातार निरंतर अवैध खनन जारी है। ये सफेदपोश नेता हैं जो अवैध खनन करा रहे हैं, सत्ता की आड़ में खुलेआम खनन हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सारे कारोबार को खनिज विभाग में तैनात एक पटेल नामक बाबू का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि अधिकारी अगर कोई कार्यवाही करते हैं तो उससे पहले ये बाबू उन लोगों को सारी सूचनाएं दे देता है, जिससे अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। सुल्तान, इस मामले को लेकर आपकी क्या प्रशासन से बातचीत हुई है, क्या उनके तरफ से कोई रुख रहा है? प्रशासनिक अधिकारी पल्ला झाड़ लेते हैं, इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं होते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश हैं कि किसी भी प्रकार का अवैध कार्य अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो यहाँ तैनात बाबू है पटेल, उसका इतनी बड़ी भूमिका है कि वो अब पूरे खनन विभाग को कैप्चर किए हुए है और वो अपने ही हिसाब से खनन विभाग को चलाता है, अधिकारी उसके सामने नतमस्तक है खनन विभाग के। बिल्कुल सुल्तान, जिस तरीके से अधिकारी आप बता रहे हैं नतमस्तक हैं, और एक बाबू के सामने अधिकारियों का इस तरीके से नतमस्तक होना कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़े करता है और सरकार पर भी करता है। इस तरीके से यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, क्या आपकी यहाँ के विधायक से कोई बातचीत हुई है? नहीं, पूर्व में खनन के मामले को लेकर सदर विधायक पंडित रवि शर्मा भी आरोप लगा चुके हैं, खनिज विभाग को घेर चुके हैं, लेकिन उसके बाद कुछ दिन खनन रोका गया, लेकिन फिर यथास्थिति में वही पोजीशन है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये खनन जो है सफेदपोश नेता कर रहे हैं, सत्ता से जुड़े लोग कर रहे हैं, उसके साथ में सत्ता के लोगों का इस बाबू को संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण सारी डीलिंग सारे काम अवैध खनन के ये बाबू ही देखता है और यही संचालित करा रहा है।
बिल्कुल सुल्तान, कई बार आपने अवैध खनन की झांसी की तस्वीर हमें हमारे तक पहुंचाई थी, हमने दिखाई थी जो अवैध खनन का काम आए दिन झांसी में ये तस्वीर सामने आती है, झांसी में अवैध खनन होता है। हम अधिकारियों से भी बातचीत करते हैं, वहां के प्रशासन से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, सब बोलते तो हैं जो हम अवैध खनन का कार्य अब रुक जाएगा, हम जाकर जमीनी स्तर पर आएंगे, निरीक्षण करेंगे, लेकिन कोई अधिकारी वहां पहुंचता नहीं है और जमीनी स्तर पर कोई निरीक्षण करने को पहुंचता नहीं, ना ही इस अवैध खनन पर लगाम लगाया जा रहा है। सुल्तान, इस मामले को लेकर क्या यहां पे कोई अधिकारी या कोई प्रशासन पहुंचे थे, क्या लगाम लगाने की कोई कोशिश की गई थी या जैसे का तैसे ही काम चल रहा है? यथा स्थिति है, केवल लगाम लगाने की छुटपुट कोशिश की जाती है, एक दो ट्रैक्टर्स पकड़े जाते हैं फिर उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन हालात वही है जो पूर्व में थे। अधिकारी खबरें चलती हैं, अधिकारी सचेत होते हैं, हालात वही बन जाते हैं, उसके बाद खनन लगातार जारी है, खबर बंद नहीं हो, खनन बंद नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये और है कि ये बाबू एक लंबे अरसे से इसी विभाग में तैनात है, लोगों का यहाँ तक कहना है कि जो कुछ भी है सारा काम अवैध खनन का इसी व्यक्ति की देखरेख में होता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। बिल्कुल सुल्तान, और देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर कब कार्रवाई की जाती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और तस्वीर झांसी की आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है और इसको लेकर वहां के ग्रामीण भी परेशान हैं, और साथ ही बता दें कि इस मामले को लेकर प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वही कासगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र के नदरई कासगंज के मथुरा रेल मार्ग पर 25 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिला है। शव मिलने से सनसनी फैल गई है। वही स्थानीय लोगों ने कोतवाली कासगंज पहुंचकर पुलिस को इस मामले की तहरीर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर शनाख्त के लिए भेज दिया है। बात ही बता दें आपको कि मृतक का कोई शनाख्त, इसको लेकर शनाख्त को लेकर लगातार प्रशासन जो है जांच पड़ताल में जुटी हुई है, और साथ ही बता दें कि इस मामले को लेकर फॉरेंसिक टीम ने मृतक के शव के पास से साक्ष्य एकत्र किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले की लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं फरुखाबाद में भी एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि युवक के परिजनों ने अपनी ही बहू और बहू के घर वालों पर आरोप लगाया है, और साथ ही बता दें कि इस दौरान इस मामले को लेकर प्रशासन लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं यूपी के पीलीभीत जनपद में बीते कई दिनों से एक बाघिन ग्रामीणों के लिए सरदर्द बन गई है, जिसमें आज वन विभाग की टीम ने दो दिन के कड़ी मशक्कत के बाद बता दें कि ट्रैकुलाइज कर खाबड़ और साथ ही जाल बिछाकर पिंजरे में कैद करने में सफलता हासिल की है, जिसके बाद से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। दरअसल आपको बता दें कि बीते कई दिनों से बाघिन बरखेड़ा थाना क्षेत्र के शाहपुरा गाँव में एक आम के बाग में पास खेतों में अपना डेरा जमाए हुए थे, जिससे ग्रामीणों काफी मुश्किल हो रहा था। एक डर के साए में ग्रामीण जीने को मजबूर थे। वहीं मामले की सूचना वन विभाग को दी गई थी, पर वन विभाग की टीम ने बाघिन को एक बार चकमा देकर फरार हो गई थी, जिसके बाद से लगातार वन विभाग की टीम बाघिन को पकड़ने में तमाम प्रयास कर रही थी। हमारी जो सामाजिक वानिकी और पीलीभीत की टीम ने संयुक्त रूप से यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया, और हमने दो डॉक्टर की टीम गठित की थी। एक डॉक्टर दक्ष थे जो हमारे पीलीभीत टाइगर रिजर्व के हैं, एक डॉक्टर दया थे जो दुधवा टाइगर रिजर्व से बुलाए गए थे। इन दोनों की टीम ने सकुशल एक हमारे संयुक्त रूप से एक ऑपरेशन चला के इस टाइगर्स को आराम से कैप्चर कर लिया है। अब इसको जाके हम मूव कर रहे हैं और ऊपर से परमिशन लेके हम जहाँ उचित जगह होगी जंगल में वहाँ इसको छोड़ा जाएगा। वहीं श्रावस्ती में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर बारात से लौट रही एक बुलेरो एक दुकान में घुस गई, जहां पर बुलेरो सवार एक युवक की मौके पर मौत हो जाती है और इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय बहराइच भेज दिया है। झांसी के बता दें कि बेतवा नदी में डूबे युवकों के परिजनों की ढांढस बढ़ाने के लिए और साथ ही पूर्व अपर मंडल आयुक्त झांसी उर्मिला ब्रिजलाल खाबड़ी मौके पर पहुंची, और इस दौरान उन्होंने 3 दिन पहले पूंछ और साथ ही एरज के बीचों बीच से निकली बेतवा नदी में नहाते समय डूबे युवकों को लेकर उनके परिजनों से मिले, और साथ ही निरंतर तलाश जारी है इसको लेकर उन्होंने बात कही है। और साथ ही बता दें कि इस दौरान 3 दिन पहले की ये बात है जहां पर एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया था, और इस दौरान एसडीआरएफ की टीम जो है बाकी युवकों को तलाश में लगातार जुटी हुई थी, और साथ ही इस मामले को लेकर आज
इस मामले को लेकर यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर पहुंची हैं और साथ ही इन दौरान पीड़ितों से उन्होंने बातचीत की है। जानकारी तो ये मिली है कि 6-7 बच्चे डूबे थे और 2 बच्चों को छोड़ करके बाकी सब सकुशल निकाल लिए गए हैं। एक परिवार से मिल करके आ रहे हैं, उनका बेटा मिल गया है और एक परिवार ये है आपके सामने यहाँ पर बैठा हुआ है, इनके बच्चे की बॉडी नहीं मिली है। और अभी मेरी SDM से बात हुई है, SDM मोड से, तो उन्होंने कहा है कि हमने SDRF बुलाया हुआ घटना है एरज के लिए और हम सब लोगों के लिए कहे होली जैसे पर्व पर 2 जवान बच्चे डूब गए, उनके घर पे भी गए, उनके परिवार से भी मिले और जो भी प्रशासनिक मदद हो सकती है उच्च अधिकारियों से भी बात की, लेकिन पूर्व में ये घटना ना हो इसके लिए भी हम गांव वालों सभी लोगों से बात की, हमारे नगर अध्यक्ष से भी बात की। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।